महाकाल की नगरी उज्जैन के कणकण में महादेव का वास है, जहां हर दिन चमत्कार होते रहते हैं। महाकाल की इस नगरी में पांव पखारती शिप्रा नदी है, जिसे मोक्षदायिनी शिप्रा भी कहा जाता है। धर्मग्रंथों के अनुसार उज्जैन नगरी जीवन और मौत के चक्र को खत्म कर भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। यहाँ हर दिन भगवान भक्तों की बुराई को निगल लेते हैं और दूर कर देते हैं उनके सारे कष्ट। वहीं शिव की इस नगरी में बसा है एक ऐसा मंदिर, जहां स्वयं शिव के अवतारी बाबा काल भैरव साक्षात भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्तों के लिए भक्ति, आस्था और आराधना की वो मंजिल, जहां सुबह शाम बजने वाली घंटों की ध्वनि निरंतर किसी चमत्कारी शक्ति का आभास करवाती है। जहां दूर दूर से भक्त कष्टों की चिंता किए बिना चले आते हैं, क्योंकि उन्हें तो बस इंतजार होता है भगवान के साक्षात स्वरूप से मिलने का और यहाँ होने वाले मदिरापान के चमत्कार के साक्षी बनने का। उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित इस मंदिर में शिव अपने भैरव स्वरूप में विराजते हैं। वैसे तो भगवान शिव का भैरव स्वरूप रौद्र और तमोगुण प्रधान है, लेकिन काल भैरव अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर उनकी सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं। काल भैरव के इस मंदिर में मुख्य रूप से मदिरा का ही प्रसाद चढ़ता है। मंदिर के पुजारी भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद को एक प्लेट में उड़ेल कर भगवान के मुख से लगा देते हैं और देखते ही देखते भक्तों की आंखों के सामने ये प्रसाद भगवान काल भैरव पी जाते हैं। ये एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखने के बाद भी विश्वास करना एक बार तो कठिन हो जाता है, क्योंकि मदिरा से भरी हुई प्लेट पल भर में खाली हो जाती है। काल भैरव के मदिरा पान के पीछे क्या राज है, इसे लेकर लंबी चौड़ी बहस भी हो चुकी है। पीढ़ियों से इस मंदिर की सेवा करने वाले पुजारी बताते हैं कि उनके दादा के जमाने में एक अंग्रेज अधिकारी ने मंदिर की खास जांच करवाई थी, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। उसने मंदिर के आसपास की जगह खुदाई भी करवाई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला, जिसके बाद वे भी काल भैरव के भक्त बन गए। उनके बाद से ही यहाँ देसी मदिरा को वाइन उच्चारित किया जाने लगा, जो आज तक जारी है। इसके अलावा भगवान काल भैरव के मदिरा पान के लिए यहाँ भारत सरकार द्वारा शोध भी किया गया था, लेकिन वो शोध भी सफल नहीं हो पाया। मदिरा के रहस्य को जानने के लिए पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, जिन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पुरातत्व के कार्यों को लेकर पद्मश्री से नवाजा था, उन्होंने यहाँ शोध किया, क्योंकि लोगों का मानना था कि मंदिर शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है और शराब यहाँ से बहकर पानी में घुल जाती है। लेकिन खुदाई के वक्त पाया गया कि यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से मदिरा जा सके। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज तक बना हुआ है। शहर से 8 किलोमीटर दूर काल भैरव के इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई उज्जैन आकर बाबा महाकाल के दर्शन करे और काल भैरव ना जाए, तो उसे महाकाल के दर्शन का आधा ही फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक काल भैरव को ये वरदान है कि भगवान शिव की पूजा से पहले उनकी पूजा होगी। तो दोस्तों, आपकी इस मंदिर को लेकर क्या राय है, हमें अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा दें।